वाओ यार, मैं बता नहीं सकता कितना अच्छा लगा उनको देख के। ओए लखनीत गाइस, अभी अभी हमें यहाँ पर दिखी डॉल्फिन और हम वही वेट करें कि दोबारा से दिख जाए एक बार, जो अब हमें नहीं दिख रही। और देखो सब लोग वहाँ पे कैसे उतावले होके देख रहे हैं, इन्हें पता भी नहीं, मैंने बताया। डॉल्फिन तो ये भी देखना चाह रहे हैं सब लोग, दिखाओ। ये रहे, वाओ इधर है डॉल्फिन। वाओ यार, मैं बता नहीं सकता कितना अच्छा लगा उनको देख के। भाई को देखो, कोई कैसे, हेलो हेलो, सुनती है आदमी। ओ वाओ, इट्स बेबी। वाओ यार, अरे यार, वाओ वाओ वाओ। Wow, यार। इनके खाने के लिए नहीं, कुछ खाने के लिए। Something to feed them? No, no, don't feed. Let them like nature. ये कौन सी निगाह से देख रहे हैं, हर बार ये नहीं दिखा है। इन लोगों कैसे दिख जाए एकदम से। अब है लंच टाइम, ये है वेज थाई करी, ग्रीन करी। गाइज आप देखो दोनों ने क्या पहने हुआ, लखन्स फादर, लखन्स मदर, इन दोनों ने गिफ्ट दिया है मुझे ये। नीतू कैसा लगा? बहुत अच्छा। मम्मू? बहुत ही अच्छा। पहली बार वेल ऐसे देखे ना, मतलब अपने नेचुरल प्लेस पे। हम इनका एक बार डॉल्फिन शो देखने गए थे। लखन उठ जाओ यार, इस रूम में कोई तो और यूज कर नहीं रहा था, मैं तो मैं यूज कर लेता हूँ। मजा आ रहा है यार, अपने आप में एक्सपीरियंस है ये भी एक। देखो थोड़ा सा महंगा पड़ा ये, लेकिन यार मैं एक चीज सोच रहा हूँ, कमाते किस लिए, इन मोमेंट्स के लिए, ये फैमिली टाइम के लिए, इसीलिए ये प्राइवेट यॉट की और सब सच में अच्छी फैसिलिटीज है, वंस इन अ लाइफटाइम तो बनता है। गाइस बहुत टैनिंग हो गई आज यहाँ पर, क्योंकि धूप में इतना नहाए हम लोग। और यार हम लोग ये सोच रहे हैं कि जिस जगह हम अभी रुके हुए हैं ना, यहाँ लेटे हुए हैं हम, कायदे में समंदर के अंदर एक रूम में लेटे हुए हैं, तो अपने आप में ये भी एक्सपीरियंस है। बट मजा बहुत आ रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है ना, समंदर की लहरों से लहरें, ऐसे 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 ऐसा लग रहा है जैसे हम झूला झूल रहे हैं। यहाँ पर फैन भी है, चार्जिंग पॉइंट भी है, केबल से भी चार्ज कर सकते हैं, इधर लाइट्स भी है। देखो यहाँ पर दो चार्जिंग सॉकेट है और केबल के लिए एक सॉकेट भी है, लाइट्स है, इधर देखो इधर फैन भी है। फ्रेंड्स विल यू बिलीव मैं क्या करने वाला हूँ, भाई ने मुझे दिए कि मैं बोट चला सकता हूँ। तुमको आती चलानी, कुछ बोलो, तुमको आती चलानी। ड्राइवर भैया बाहर निकल गए। अभी इसकी स्पीड है 16 नॉट्स पर आवर, जो पानी में जो भी चीज चलती है उनकी स्पीड नॉट्स में काउंट होती है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये हमारी स्पीड बता रहा है, ये डेप्थ बता रहा है, अलग अलग मीटर्स है यहाँ पर, इसमें पता चल रहा है वाटर कितना है और इसमें पता चल रहा है फ्यूल कितना है। अभी ये होता है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, कोई दूसरी बोट अगर आसपास है और आपको हेल्प चाहिए या कुछ भी चीज, तो कम्युनिकेट कर सकते हैं इससे। कैसा लग रहा है मम्मी? हम लोग ना यही, हम सब यही बातें कर रहे थे कि ये वही जगह है जहाँ पर लखन का फोन गिर गया था मुझसे, गलती से मैंने बैग ओपन रख दिया था लास्ट टाइम। ये वही जगह है जहाँ पर लखन का फोन गिरा था, ये वो हादसा हुआ था मॉम लखन के साथ। आज तो नहीं हुआ कुछ नहीं, आज मैंने बैग में पैक करके फोन बाहर आके अब इसको दिया कि यार अब तू ब्लॉग बना ले, ये ऐतिहासिक जगह बता लो। आज हम टच भी नहीं कर रहे हैं, ऐतिहासिक जगह। नहीं मॉम, बाल ऊपर आता है, अजीब सा होता है। बाय। ये वही ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर लखन का फोन गिरा था। अच्छा, अंदर दीदी यही फोन गिरा था, मैं अंदर पता है वो डाइवर्स लेकर आए थे, फोन गिरा था। यही वो ऐतिहासिक जगह है, मैं सबको बताऊंगी, यही वो ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर लखन का फोन गिरा था, ये बात मैं सबको बता रही हूँ। अब हमारे घर जाने का टाइम आ गया है, घर मतलब होटल जाने का, होटल होटल भाई थाई में बात करेंगे जी। भाई
फोटो। अरे किसी ने देखा ही नहीं आपने क्या पहना है, लखन फादर लखन मदर। ये देखो ये थाईलिंग से आया था जब लखन फर्स्ट टाइम गए थे ना। हाँ हमारी कार आ चुकी है, अब चल रहे हैं हम होटल। होटल भाई बोल दो, मामा भी बोल दो, मामा नहीं एक्टिंग। फोटो। फाइनली हम आ गए वापस अपने रूम पर और सच में बड़ा अमेजिंग लग रहा था। हम अभी बहुत अमेजिंग जगह से होकर आए और जब रूम में आए तो व्यू इतना सुंदर है यहाँ का, मतलब दीदी ने जो किया है ना अरेंजमेंट बहुत अच्छा करा है। हम लोग डाउट कर रहे थे लेकिन सच में दीदी बहुत अच्छा करा है सब कुछ। आप खुद देखो यार रूम में आते ही व्यू दिखता है हमें, है ना सुंदर। हम तो हमने डिसाइड किया पास में जो होटल के बीच है सबसे पास वाला, हम उधर ही नहीं गए अभी तक, तो हम लोग उधर ही जा रहे हैं क्योंकि यार हम जब से आए इधर से उधर घूमे जा रहे हैं लेकिन इतनी सुंदर जगह हमने उधर डिस्कवर नहीं की। हम सब जा रहे हैं अभी उधर, तो मैं इनको चेंज कर लेता हूँ उसके बाद हम चलते हैं बीच पर। सो गाइस मैंने कर लिया चेंज, हम लोग जा रहे हैं बीच पे। सारे बच्चे लोग जा रहे हैं वहाँ पे मस्ती करने। अब आप बोलोगे कि तुम बच्चे कैसे हो, तुम्हारी तो एंगेजमेंट भी हो गई है, लेकिन यार मतलब माँ बाप के साथ आए तो हम तो बच्चे ही हैं यहाँ पे। इंजॉय हम जो करते हैं ना माँ बाप के साथ ही करते हैं। हाय मेरी परम 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 सुंदर दीदी, इधर तो इधर 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 भाई चश्मा कहा था ना, कहा ही तो होता नहीं। तो पता सर कौन चश्मा लगाया था, एक मूवी आती थी जानी दुश्मन है ना, उसमें जो एक छतारी नाग लगाता था ना सेम ऐसा चश्मा है इसके पास एक। पहले तो मैंने तुझे देखा था ना डर गया क्योंकि एक तो तेरी आंखें कंजी देखी है। नीतू देख हमारे बीच में एक जना ऐसा है जो कि फ्यूचर में जी रहा है। क्यों भाई क्यों, तेरा ही फोन है बस एक तो ये कहाँ से लाया तू? दो है एक और रूम रखा है। वाह भाई वाह, वहाँ तो रूम में से पानी भर रहा है ना पूरा, तो दूसरा का रूम में रख रखा है। फ्रेंड्स हम यहाँ बीच पर आए और देखो कितना प्यारा सा किसी का क्यूट सा डॉग घूम रहा है। ये तो बोल दे देन की यार, ये तो बोल देते हेलो 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 पीडक 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 पीडक। हेलो हेलो, ओए आजा दीदी, तू ऐसी छोटी सी है, इधर आजा। डर भी पूरा लग रहा है, जानती भी नहीं मानती भी नहीं। इन दोनों को डर भी पूरा लग रहा है लेकिन स्टाइल पूरी माननी है, स्टाइल में कमी नहीं आनी चाहिए। जय भी जय भी, मुझे गुची याद आ गया, जय भी। और यहाँ पर दो टीमों का मैच चल रहा है बीच साइड और मैंने बैट लगाया हुआ है, किसी पर भी नहीं। यार ये हारे जीते मेरा क्या, मेरे तो पैसे डूब जाएंगे ना अगर मैं हार गया तो। ये बात है शेरू, क्या बात है। अरे चचा कहाँ मार दी बॉल। वैसे पता है अगर बीच या माउंटेन मुझसे पूछा जाए तो मुझे माउंटेन पसंद है, लेकिन समंदर की जो एक खास बात है ना, एक तो ये विशाल बहुत है और दूसरा ना जितना भी कचरा इसमें होता है सब बाहर फेंक देता है। समंदर अपने अंदर कभी कचरा लेके नहीं जीता और इसी तरह हमें भी रहना चाहिए। अंदर का जितना भी कचरा है ना नेगेटिव थॉट्स उस सब बाहर निकालने चाहिए, समंदर की तरह जीना चाहिए अपने को। लाट विख्यात अयोध्या। फिलहाल ये एरिया हाई टाइड्स देख रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पर नो स्विमिंग वाले ये रेड फ्लैग्स लगाए हुए हैं ताकि लोग समझ जाएं कि यहाँ खतरा है। चेंज कर लिया मैंने और अब हम लोग आपको पता कहाँ जाने वाले हैं, उसका नाम है फुकेट नहीं पटोंग बीच, जो कल भी व्लॉग्स में आपने देखा था। बहुत सुंदर जगह है, बहुत अमेजिंग जगह है। तो आज भी हम पटाया सॉरी फुकेट में है। यार मुझे क्या हो गया है ये, मैं फुकेट होके पागल। अब व्लॉग देखो। अरे चलो यार अब तुम यहीं लेट कर दोगे दोनों। वाह हम जा रहे हैं आज इसुजू MUX में और ये गाड़ी इंडिया में भी है लेकिन मैं इसमें पहली बार बैठने वाला हूँ, देखते हैं अंदर से कैसी है। यार गाड़ी काफी अच्छी है, एकदम लग रही फॉर्च्यूनर जैसी। फाइनली हम तिबार आ गए हैं यहाँ पर पटोंग बीच में। सैंडी देख मैंने बोला था पटोंग नाम है इसका। दोस्तों मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा हूँ, कोई ऐसा नाम क्यों रखेगा। नीतू 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 चल। नीतू कैसा लगा मसाज करा के? बहुत 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 अच्छा। ये तो सो ही गई थी और जब उठी हाँ क्या कह रहे हो, पता नहीं क्या ही बोल रही थी। अंधेरा बहुत है यहाँ पर, क्या लगा? अभी तो मैंने आंखें बंद ही की थी। और तू पता कब से सो रही थी? कम से कम तेरे को 20 या 25 मिनट हो गए थे तुम सोते सोते। यहाँ पर चल रही है लखन की पैकिंग। गुड मॉर्निंग लखन। गुड मॉर्निंग। हम लोग जा रहे हैं वापस एंड हम लोग इसको मिस करेंगे बहुत ज्यादा इस व्यू को। बट पता है क्या है, हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है कि हम हर मंथ यहाँ पर आया करेंगे, है लगा? ऐसे प्रॉमिस में हर जगह जाएगा। हाँ ये तो यार है, मैं कुछ ज्यादा ही ब्राइट हो गई मेरा, ये तो है। हम लोग प्रॉमिसेस बहुत करते हैं एक दूसरे से मगर वो हम
निभा नहीं पाते हैं ना लगन। तो ये फैमिली ट्रिप था तो इसलिए ज़्यादा हम व्लॉग्स और वीडियोस नहीं शूट कर पाए, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम सिर्फ इसी पर्पज़ से आएंगे कि हमें शूट करना है, बाकी घूमना फिरना कम करेंगे, है ना नेक्स्ट टाइम लक्सू, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट घूम लिया यहाँ का सब कुछ। कराबी बीच नहीं गए हम लोग यार, मुझे ऐसा लगा लास्ट टाइम हम कराबी बीच गए थे, तो हम नेक्स्ट टाइम कराबी बीच ज़रूर जाएंगे। और लखन की पैकिंग अभी तक डन नहीं हुई, मैं तो रात में पैक करके ही सो गई थी।